हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपको एक खास पौधे के बारे में बताऊंगा जिसका नाम गुडलक प्लांट है और इसका बॉटनिकल नाम कॉर्डिलाइन है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। यह एवरग्रीन कलरफुल प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग बहुत रेयर होती है और यह एस्पेरेगस कुल का पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं, लेकिन इसके गुलाबी चटक गुलाबी रंग और मैरून रंग के कारण इसके पत्ते देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं, जिसमें करीब 15 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। खाने वाले एस्पेरेगस, सतारी और लकी बम्बू, जो आप जानते ही होंगे, यह उसी फैमिली का पौधा है। शायद इसलिए इन्हें कॉर्डिलाइन नाम से कम और गुडलक प्लांट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसके पत्ते एडिबल है और दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके कई वैरायटी होते हैं, जैसे टाइप प्लांट, पाम लेली, केबेज पाम, और यह गुडलक प्लांट भी कॉर्डिलाइन की एक वैरायटी है। यह आपको कई खूबसूरत शेड में मिल जाएंगे। इन्हें मॉइस्ट एटमॉस्फेयर पसंद है। आप इन्हें पार्शियल शेड में रखें, वाटरिंग ज़्यादा ना करें, बस इतनी कि इनकी मिट्टी मॉइस्ट यानी नम रहे। समर सीजन इनका ग्रोइंग सीजन है, तो हर 10 से 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। आप एनपीके का घोल बनाकर इन्हें दे सकते हैं। ये मैंने कटिंग ली है, पत्ते वाले हिस्से को मैं काट के हटा देता हूँ। अब मैं बचे हुए हिस्से को लगभग 2 या 3 इंच की दूरी पर कट कर लेता हूँ। कटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें, आप हमेशा तेज धार का चाकू का इस्तेमाल करें। ये हमारी कटिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसे पानी में डाल देता हूँ। पानी बिल्कुल टेप वाटर लेनी है। अब मैं इस कटिंग को पानी में डाल देता हूँ ताकि इसमें जड़ें जल्दी निकल आए। तीन हफ्ते हो गए हैं और आप देख रहे हैं इसमें पत्तियां आ गई है। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें जड़ें आई है या नहीं। आप देख रहे हैं इसमें जड़ें निकल आई है। अब हम इसे कोकोपीट में लगा देंगे। अब हम गमले में कोकोपीट तैयार कर लेते हैं। कोकोपीट ही क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, इसके कारण इसमें जड़ें आसानी से निकलते हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोकोपीट में ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण जड़ों में नमी बरकरार रहती है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है। हमारा कोकोपीट का मिक्सचर तैयार हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखने में बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिला देता हूँ। अब मैं बेबी प्लांट को इसमें लगा देता हूँ। इसकी जड़ें अच्छे से लगाएं, ना तो
इसकी जड़ें टूट सकती है। ये मैंने बेबी प्लांट को तैयार कोकोपीट में लगा दिया। आप चाहे तो कटिंग को हॉरिजेंटली भी लगा सकते हैं। हॉरिजेंटली लगाने से आपको ये फायदा होगा, आप जितनी भी गांठें देख रहे हैं वहां से न्यू प्लांट निकलेंगे और रूट नीचे की तरफ निकलेंगे। अब मैं इसे हॉरिजेंटली लगा देता हूं। ये मैंने सारे प्लांट कटिंग को हॉरिजॉन्टली लगा दिया। इसमें आपको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे कोकोपीट में लगाया है। इसमें आप 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज के बारे में बताई गई गुडलक प्लांट के बारे में सारी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए हमें जरूर कमेंट करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।